नमस्कार, मैं ललित और जम्मू कश्मीर चुनाव पर बात करेंगे। बहुत दिलचस्प हो चले हैं यहाँ के चुनाव। तकरीबन 10 साल बाद होने जा रहे चुनाव के बीच सियासत की गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है। इसी के अलग पहलू पर बात होगी। एक है कांग्रेस जो वापसी की आस में भली बैसाखियों के सहारे है, दूसरे उमर अब्दुल्ला जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो मना कर रहे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बारामूला की वो हार और वो भी जेल में बंद एक व्यक्ति से। इन सब के बीच कहीं नजर नहीं आ रहे गुलाम नबी आज़ाद। चुनाव के ऐलान के बाद वो इक्का दुक्का बयानों की शक्ल में या उनकी पार्टी नजर आई है। इस पूरे चुनाव का तीसरा पहलू है जेल में बंद इंजीनियर रशीद और उनकी पार्टी। अब बातचीत सिलसिले से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जो पहले तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरने के इच्छुक नहीं थे, अब अचानक से उन्होंने 2 असेंबली सीटों से एक साथ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे की वजह फिलहाल कुछ साफ तो नहीं आ रही है, साफ तरीके से कुछ कहा नहीं जा रहा है, पर चुनाव के वक्त कयास बड़े मायने रखते हैं। उमर अब्दुल्ला का दिल बदलने के पीछे सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी या डर नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी की ताकत को साबित करता है। गांधरबल और बड़गाम से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। यहाँ तक कि गांधरबल में जब वो पहुंचे तो टोपी हाथ में लेकर कश्मीरी में कहा कि मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत और ये टोपी आपके हाथों में। ये कई जगह रिपोर्ट किया गया है। पहले उपराज्यपाल के हाथों में असली अधिकार होने की बात करने वाले उमर अब्दुल्ला, अचानक से हृदय परिवर्तित उनका हो गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी से दोस्ती एक वजह हो सकती है, लेकिन कईयों का ये मानना है कि हार के डर से हो सकता है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेफ सीट है। इसका थोड़ा इतिहास आप जान लीजिए। शेख अब्दुल्ला से शुरू होता है, दादाजी उमर के दादाजी। शेख अब्दुल्ला ने 1977, फिर फारूक अब्दुल्ला ने 1983, 1987, 1996 के चुनाव में जीत हासिल की। 2008 के चुनाव में उमर अब्दुल्ला जीते। 2014 में शेख इशफाक जब्बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर गांधरबल जीता। सुना है कि ये जो जब्बार हैं वो अभी अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ा सकते हैं, जिन्होंने पिछले साल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। दूसरा तनाव बढ़ा रहे हैं जेल में बंद कश्मीरी मौलवी सरजान अहमद वागए। इन्होंने गांधरबल और बीरवाह से गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, और इनका पहले पत्र खारिज किया गया था, नॉमिनेशन फॉर्म, वो कोई और वजह थी। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद अशांति के दौरान सरजान अहमद वागए चर्चा में आए थे। अब इस चुनाव में एक और समीकरण है और वो बहुत दिलचस्प है, जेल में बंद इंजीनियर रशीद और उनकी पार्टी। इंजीनियर रशीद, जिन्होंने जेल में बंद रहते हुए बारामूला से करीब 3 लाख से उमर अब्दुल्ला को अभी पिछले लोकसभा चुनाव में पटखनी दी, अब अपडेट ये है कि जानकारों को लगता है कि इन्हीं इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी चुनावी समीकरण पर गहरा असर डालेगी। एक और पेच है, तिहाड़ में बंद बारामूला लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर फैसला 11 सितंबर तक टल गया है, लेकिन अगर उन्हें जमानत मिलती है, नियमित जमानत वो मांग रहे हैं, तो इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी चुनावी समीकरण बदल देगी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। इतना ही नहीं, इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं खुर्शीद अहमद शेख, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। कयास है कि वो भी चुनावी मैदान में आएंगे। और रशीद के बेटे अबरार, उनका चुनावी मैदान अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लोकसभा उन्होंने जिता दिया जेल में बंद रहते हुए। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के कभी मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आज़ाद, वो हैं कहाँ? 2022 में कांग्रेस से बगावत कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की नींव रखी। आज़ाद की पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई कमाल कर नहीं पाई। अब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं तो आज़ाद पूरे सिनेरियो से गायब गायब नजर आते हैं। आज़ाद ने खुद को बीमार बताकर चुनावी मैदान से अपनी मौजूदगी भी खत्म कर दी है। उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 10 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था, 4 ने तो अपने नाम ही वापस ले लिए। अच्छा, जो नाम वापस ले रहे हैं वो आज़ाद का गढ़ माने जाने वाले किश्तवाड़, रामबन और डोडा इलाके के हैं। दिल्ली से इलाज करवाने के बाद आराम का हवाला देकर उन्होंने प्रचार से भी किनारा कर लिया। जानकार कह रहे हैं कि अपना कोई सियासी भविष्य नज़र ना आने के चलते आज़ाद ने खुद किनारा कर लिया है। तो जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत को इसी तरह से डिकोड करेंगे, आगे के अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप देखना चाहते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ये यकीन जानिए कि आप सभी को इस चुनाव में बहुत दिलचस्पी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत मज़ेदार चुनाव जम्मू कश्मीर के इस बार होने वाले हैं। नमस्कार।